अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है। हर साल दुनिया भर में 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। युवा संस्कृति को बढ़ावा देने और समाज में उनके योगदान को पहचानने के लिए वर्ष 1999 में संयुक्त राष्ट्र ने विश्व युवा दिवस की शुरुआत की थी। तब से हर साल आज के दिन युवा दिवस का आयोजन किया जाता है। इस आयोजन का उद्देश्य उन परियोजनाओं और बहसों को आगे बढ़ाना है जो दुनिया भर के युवाओं के सामने आने वाली समस्याओं का निराकरण कर सके। यह कार्यक्रम युवाओं को प्रासंगिक वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने और नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों, सम्मेलनों और गतिविधियों के माध्यम से दुनिया भर में मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में भारत में भी विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर खेल और युवा मामलों के केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने देशवासियों को युवा दिवस की बधाई दी है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में युवाओं को देश के प्रगति में योगदान देने की अपील की है। Celebrates the International Youth Day, and I would like to congratulate each and every one. Let us pledge that we're going to make India as a developed country before 2047. This is the time from Amrit Kal. The time starts now, and youth will have a large role to play. And I'm sure on the International Youth Day, we can pledge that in one area, at least in one area, we will make our contribution and work for the progress, unity of our country. अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के इस वर्ष की थीम है एक सतत विश्व की ओर युवाओं के लिए हरित कौशल। हरित कौशल एक टिकाऊ और संसाधन कुशल समाज विकसित करने के लिए आवश्यक ज्ञान, क्षमताएं, मूल्य और दृष्टिकोण प्रदान करता है।